ये देखिए इस गुफा का कुछ भी नहीं पता है। पांडवास यहाँ से आए थे, ये शिवलिंग है जो निकले हैं शिवरात्रि के टाइम पे। लाखा मंडल में मैं हूँ जहाँ पे पांडवास ने 1,00,000 शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना करी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है शिवालिक राइडर 21 और सेकंड डे आज स्टार्ट होता है। कल हमने माँ के दर्शन करे थे, उसके बाद हम महासु देवता आए थे और महासु देवता में कल शाम की आरती लेने के बाद सीधे आए और ऐसी नींद आ रही थी कि एकदम सो गए भाई, कुछ पता ही नहीं है। अभी खुल रही है नींद और 8:30 बज रहा है। तो आज का जो दिन स्टार्ट होगा वो आज हमारा जाएगा लाखा मंडल तक। लाखा मंडल ऐसी जगह जहाँ से पांडवास जो थे, जो उनकी एंट्रेंस हुई थी उत्तराखंड देवभूमि में, वो वहीं से हुई थी। तो उस गुफा के हम करेंगे नज़ारे, वहाँ पे देखेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया व्यूज़ हम देखेंगे। तो आज की हमारी जर्नी रहेगी महासु देवता से लाखा मंडल, लाखा मंडल से खरस्याली। खरस्याली वही जगह है जहाँ पे माता रानी की शीतकालीन पूजा होती है, ठंडों में जो यमुना माँ की पूजा होती है वो वहीं होती है। तो आज हम वहीं स्टे करेंगे। तो डे टू जो हमारा रहेगा वो 140 से लेके 150 किलोमीटर के बीच रहेगा। तो बेसिकली हम लोग GMVN में रुके हुए थे और आप GMVN जो मंदिर परिसर है उसके पास GMVN भी है और कुछ होटल्स की सुविधा भी है। तो आप चाहें तो GMVN भी रुक सकते हैं या होटल में भी रुक सकते हैं। एक राउंड चलेंगे मंदिर की तरफ और देखेंगे थोड़ा दिन का व्यू और उसके बाद सीधे निकलते हैं लाखा मंडल पे। वही रूट होगा, यहाँ से हमें हनौल से फिर वापस हमें नौगांव ही जाना पड़ेगा जो रास्ते में पड़ता है, मतलब बरकोट वाला ही, बरकोट वाला जो एरिया है। और उसके बाद हम जाएंगे लाखन मंडल जहाँ पे हम करेंगे गुफा के जो है उसका नज़ारा, देखेंगे कैसा है क्या है। तो बेसिकली आज की जो जर्नी रहेगी वो 130-140 रहेगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। सो गाड़ी वहाँ लगा दी है और अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ। शाम को भी दर्शन कर लिए थे लेकिन अभी एक राउंड चलेंगे मंदिर की तरफ, थोड़ा दिन का ओवरव्यू देखेंगे। रात में तो हम लोगों ने देख लिया था थोड़ा बहुत अंधेरे में जो भी था, बट अभी देखते हैं फिलहाल। तो ये है यहाँ का जो द्वार है, गेट मंदिर का। चलो चलो चलो, क्या बात है भाई, सी द ब्यूटी, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पीछे आप देख ही रहे हैं मंदिर है महासु देवता जी का और इतनी सुंदर वैली है, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, नो वर्ड्स, बहुत अद्भुत। पांडवास के द्वारा ही ये मंदिर इस्टेब्लिश करा गया था, बनाया गया था। महासु देवता जो कि समूह है चार भाइयों का, जो कि शिव जी के ही अवतार थे, एक राक्षस के आतंक से इस एरिया को छुटकारा दिलाने के लिए ही उनका जो मेन जीवन का पर्पस था वो यही था। तो उन लोगों ने यहाँ पे आए और उसका वध किया, तभी से ही यहाँ पे मान्यता हो गई। उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल में भी महासु देवता का बहुत पूजन होता है, जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे भी। दर्शन तो हो गए हैं अंदर महासु जी के और अब हम लोग चलेंगे लाखा मंडल की तरफ। उससे पहले पियेंगे चाय क्योंकि मेरा आज फास्ट है, तो मैं चाय पीऊँगा और चाय पीने के बाद सीधे निकलते हैं लाखा मंडल। बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ आने वाले हैं आगे जाके, तो चलिए मेरे साथ सफर पे। जय शंकर जय महाराज। तो दर्शन हो गए हैं और चलते हैं बाइक की तरफ। बाइक फटाफट पैक होके निकलते हैं सीधा लाखा मंडल, जो कि अभी 2 घंटे की जर्नी है वहाँ तक की, क्योंकि नौगांव तक तो जाना ही पड़ेगा मेन हब है। ये लगी हमारी बाइक और सामने बन रही है हमारे लिए चाय। छोटा सा मार्केट पार्किंग के साथ ही यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे इजीली कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। क्या बात है यार, गर्मा गर्म चाय आ गई और भैया तो मैगी में खो से गए हैं, क्या बात है यार भैया, अल्टीमेट यार, बहुत बढ़िया। ये भैया ने बनाई है बड़े प्यार से, कल शाम को भी खिलाई थी भैया ने। क्या नाम है भैया आपका? करण। करण भैया ने खिलाई थी हमें, बहुत बढ़िया भाई। जब भी आए आप करण भैया के आ जाना, क्योंकि कुछ ही स्टॉल्स हैं, तो करण भैया के पास आए, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लें। और यहाँ से पूरा नज़ारा भी है भाई, टंस नदी का, क्या बात है भाई, क्या सुंदर वैली है यार, बहुत बढ़िया। और आगे तो बहुत ब्यूटी।
रहता ही है, थोड़ा समय लगता ही है, बट मोस्ट प्रेफरली कि यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप सिंगल हैं या डबल हैं तो बाइक पे ही अपना सफ़र करें, जर्नी करें, बहुत बढ़िया जर्नी होगी। भाई पूरी जर्नी इतनी अच्छी रही है ना यहाँ तक की, और अब जाते समय तो और एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि और व्यूज़ मिलने वाले हैं। आज जो सूर्यदेव हैं वो निकले नहीं हैं, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो और चीज़ें भी शाइन करती हैं, तो वो आज नहीं देखने को मिला है। तो महासु देवता जी अगर आप आना चाहते हैं तो मतलब जो गढ़वाल वाले लोग हैं लाइक ऋषिकेश देहरादून, तो सबसे पहले आपको चक्राता ही आना पड़ेगा, चक्राता से ही महासु देवता जी का रास्ता आ जाता है। और जो कुमाऊँ वाले लोग हैं उन्हें श्रीनगर पहुँचना पड़ेगा, श्रीनगर पहुँच के उन्हें टेहरी आना पड़ेगा, टेहरी से धरासू बैंड बरकोट होते हुए सीधे महासु देवता टेम्पल। तो कुमाऊँ साइड से अगर आप आ रहे हैं तो 500 प्लस किलोमीटर की ये जर्नी रहेगी आपकी। फाइनली इतना प्यारा व्यू आया है, ये देखो यार पूरी टंस नदी पूरा यहाँ पे जोर मार रही है और सामने पूरा हरा भरा जंगल है, मतलब देवदार की पूरी वैली है, देवदार। भाई क्या बात है यार, मजा आ गया, दिल जीत लिया भाई व्यू ने। कि आओ ना यार देवभूमि, आओ घूमो, एक्सप्लोर करो भाई, देवभूमि सिंपली हेवन है, सिंपली हेवन, क्या बात है। ये देखो आप इस साइड पूरा लाइट ग्रीन है, इस साइड पूरा डार्क ग्रीन है, ये देवदार के पेड़ है और ये थोड़े पाइन्स के पेड़ है, क्या बात है यार, बहुत ब्यूटीफुल। और बीच में से जा रहा है रास्ता ये ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड में चल रहे हो आपकी, यही तो जर्नी है पता है, जब आप घर से निकलेंगे पता है तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी यार। और मतलब अपने आप इतने बेस्ट मोमेंट जियोगे अपने खुद में अपने साथ कि मतलब ये टेंशन वेंशन ये तो चलो मोह माया है, वो चीज़ अलग है ठीक है, बट यहाँ आके आपको सिंपली फील होगा कि हाँ दैट सुपर पावर एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया व्यू यार, सोचो आप यहाँ पे आ रहे हो, बैठे हो आराम से, पीस है इतना, ना कोई हल्ला। बचपन में पेंटिंग वगैरह उसमें हम ऐसा बनाते थे, तो ये बिल्कुल सिंपल वैसा ही है यार, वैसा ही है। नहीं मतलब तीन दुनिया से बिल्कुल अलग एक सुकून भरी जिंदगी जिसे कहते हैं ना यार, वो कि मैंने भी सोचा हुआ है मैं तो छोड़ ओढ़ के आ जाऊँगा, सुकून में ही जिंदगी में एक महीना रहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग जर्नी करते हैं जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से, थोड़ा बहुत लगता है कि अब एक ब्रेकअप चाहिए, तो हम वो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक ऐसा लेते हैं जिससे हम फुली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में यार। ये पत्थर तो पूरे उसकी याद दिला दे रहे हैं मेरे को, थौरागढ़ वाली रोड का मुंशारी से धारचूला, बिल्कुल डेंजरस। एक साइड आपके नदी है, एक साइड आपके पहाड़ है, और दोनों ही विशाल हैं और बीच में आपका रास्ता है, बस ऐसे ही एक लाइफ है, मुसीबत की घड़ी और एक सुकून की घड़ी, उसके बीच में आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, उसके बीच में ही आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ता है, यही लाइफ है। तो यार इन्जॉय करो, जो लाइफ हमें मिली है ना बस सिंपली उसे इन्जॉय करो अच्छे से, और बस ऐसी सुंदरता मिलेगी आपको जैसी में सुंदरता आप देख रहे हैं ना, वैसी सुंदरता आपको लाइफ में भी मिलेगी। किसी का यार गलत मत करो, बस हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहो, वही सबसे बड़ा जो आभूषण कहते हैं ना, गोल्ड सिल्वर ये सब कुछ लाइफ का वही है, पैसा वैसा ये सारी चीज़ें यही रह जानी है, लास्ट में जाने हमारे कर्म ही ऊपर। I can't take it anymore. My mind's about to go. इतनी सुंदर वैली की यार मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, देखो यार क्या अद्भुत नजारा है, वाह। वो सामने जो वाइट वाइट लग रहा है वो हरकी दून वैली है पूरी, और ये जो लगते हुए हैं ये सारे पहाड़ इससे लगते हुए जो आ रहे हैं, और ये नीचे बहुत सुंदर वैली है, आई मीन कि वो पुरोला ही है। तो पुरोला पहुंच के सीधे जाएंगे हम लोग नखमंडल, तो देखो ना आप ये वैली देखो आप, जो बिल्कुल प्लेन वैली है बिल्कुल नीचे नीचे पूरी, अमेजिंग यार। चल पड़े हैं भाई चाय वाय पी, और चाय पीने के बाद अब चल पड़े हैं। 40 किलोमीटर लाखमंडल है अभी, नौ गांव तो पड़ा है अभी, 20-25 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उससे पहले आप ये सुंदर वादियों का नज़ारा लो यार, वाह क्या बात है। पहाड़ों की खास बात यही है कि हर दायरे में छोटे छोटे जो गांव होते हैं ना वो सुंदरता और बढ़ा देते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करते ही, तो अलग ही पूरी जन्नत है जगह, बिल्कुल हरियाली हरियाली, सरसों खिली हुई है, नीला आसमान, थोड़े थोड़े बादल लगे हैं, छोटे छोटे घर हैं, इससे सुंदर क्या हो सकता है लाइफ में, और कुछ सुंदर नहीं हो सकता है। मेरी अभी तक की बहुत बेस्ट जर्नी चल रही है, और लाइफ में मैं पहली बार
मेरा मतलब पहले मेरा गंगोत्री का था रिकॉर्ड कि मैं इतनी दूर गया था 510 किलोमीटर और अब रिकॉर्ड टूट चुका है हालांकि, क्योंकि 540 तो हम लोगों ने कल ही कवर कर लिए थे और अब हम जा रहे हैं लाखामंडल, फिर जाएंगे यमुना माँ, तो बहुत कुछ आना बाकी है, तो जुड़े रहिए। सामने वो देखो भैया वो टेरेस, पूरे टेरेस फार्मिंग वाला जो, वाओ यार बहुत ब्यूटीफुल यार, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा बड़ी वैली है यार, अच्छा कर रखा है यार, बहुत बढ़िया, वेल मैनेज जो वाला हिसाब है यहाँ पे। नौ गांव तो अभी आगे हैं, अभी पुरोला आएगा, मतलब पहुँचने ही वाले हैं हम पुरोला और उसके बाद चलेंगे नौ गांव। क्या बात है, देवदार के पेड़, आहा हा वाह, नीचे देखो मेला लगा हुआ है यार, वाह क्या बात है। फाइनली पुरोला आने वाला है और बड़ा शहर है यार पुरोला सच में भाई। अभी तो यार लखमंडल जाना है, वहाँ दर्शन करने हैं, फिर शाम का भी देखना है क्योंकि हमें वापस ही उस रूट पे आना पड़ेगा जान की छट्टी के लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, सिटी में एंटर कर दिया यार, देखो क्या ब्यूटीफुल सिटी है यार ये तो, यहाँ तो लगा हुआ है बहुत तगड़ा जाम भाई, जाम में फंसे हुए हैं और मेरे बगल में हिमाचल की गाड़ी है, बस है और आगे से ट्रैफिक और ज़्यादा है, आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, दो एक घंटा टाइम लगा है पूरा निकलने में, उल्टी सीधी फंसा रखी थी गाड़ियाँ। हमारे भैया ने जाम खोला है आज, बहुत बेहतरीन काम करा है आज, एक डबल चाय मिलेगी भैया आपको आज, आज आज के डे में डबल चाय, काफ़ी देर बाद चलाने का मौका मिला वरना रुकी गई थी यार गाड़ी बाप रे यार, आज का पूरा एक घंटा बर्बाद हुआ है आज। सो अब हम हो चुके हैं डिले एक घंटे से भाई, अगर हमें वहाँ टाइम लगेगा तो देखेंगे आगे जैसा भी होता है, बट फिलहाल वी आर 1 आवर लेट, तो चलो करते हैं बाय पुराला को, अब बढ़ते हैं सीधे नौगांव की तरफ। क्या बात है, आनंद ही आनंद है, प्यारी सी खूबसूरत सी वादियां हैं और हम निकल पड़े हैं मुसाफिर। कौन कहता है महाभारत सिर्फ एक होती है, महाभारत तो हर किसी के अंदर से अपने आप से खुद ब खुद चलती रहती है, वही है लाइफ भी कि आपने क्या सीखा, क्या करा है और आप क्या करते हैं। कर्म ही सर्वप्रिय है, तो अपना कर्म ना छोड़ें और जो मन में आए आप वो कीजिए, बस किसी का निरादर ना हो। वो सामने है नौगांव, अब हमें वहां जाके फिर हमें ऐसे जाना है सामने की तरफ। जब लंबी ट्रिप में निकलना पड़ता है ना तो सब कैलकुलेटेड रिस्क लेके और पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि कितने घंटे में कितने किलोमीटर आपको कवर अप करने हैं, वहाँ कौन सी डेस्टिनेशन पहुँचेगी। ट्रैवलिंग जस्ट ये नहीं है कि बाइक पकड़ी और निकल के, ऐसा नहीं है, मतलब मैनेजमेंट भी है उसमें, तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो नौगांव 2 किलोमीटर, बरकोट हमें जाएंगे, पहले हमें जाना है लखमंडल उसके बाद जाएंगे हम बरकोट। भाई देवभूमि की बात ही निराली है यार, मेरा मन इन पहाड़ों में लग सा गया, मन तो लग गया है लेकिन स्ट्रगल बहुत है यार पहाड़ की लाइफ में, बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है, पीस भी है लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही है। तो जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है एक्चुअली उसके पीछे का सच कुछ और भी होता है। एंट्री हो गई है नौगांव की, स्टार्ट हो गया शहर, अब मैं आपको बताता हूँ हमें किधर से जाना है। आगे हम जाएंगे तो हमें लेफ्ट में हमें बरकोट जाना होगा और अगर हम राइट को जाते हैं तो वो लाखामंडल जाएगा, तो फिलहाल हमें जाना है अभी लाखामंडल, तो हम आगे से लेने वाले हैं राइट, तो ये जो लेफ्ट में जा रहा है ये बरकोट जा रहा है और हमें जाना है यहाँ पे। क्या बात है, लाखामंडल की तरफ चलते हैं। जय हो, तो देख रहे हो आप काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है मार्केट में, चले हैं हम लाखामंडल की तरफ और बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है यार। सो जो लाखामंडल वाला ये जो रास्ता है ये सीधे चक्राता और देहरादून मसूरी निकलता है, तो आप लोगों को मसूरी ऋषिकेश देहरादून जाना हो तो यही वाला रास्ता है, बाकी हम जो कुमाऊँ वाले हैं उनके लिए श्रीनगर टेहरी होते हुए जो कि हम जाएंगे बाद में, तो अभी तो फिलहाल हम लाखामंडल ही जा रहे हैं। सो लाखामंडल के लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे को, और कितना किलोमीटर लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर नीचे लाखामंडल है,
लोग चलते हैं लाखा मंडल की तरफ, और ये है टाइगर फॉल 52 लाखा मंडल 5, क्या बात है। तो चलिए करेंगे क्रॉस पुल, गाड़ी हो रही है क्रॉस और हम भी करते हैं क्रॉस। आज सुबह से ही लेट हो गई थी, हम मतलब उठने को तो हम लोग जल्दी उठ गए थे, बट वी वर लाइक कि थोड़ा सा ही है आज, कम ट्रैवलिंग है 140-150 किलोमीटर की, हम थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए। बट अब रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा बहुत हम लेट हो गए और थोड़ा बहुत हमें जाम ने लेट करवा दिया। रास्ता मुझे थोड़ा ये ऑफ रोडिंग वाला ही लग रहा है मेरे हिसाब से, यही उम्मीद भी थी कि इतना कोई खास रास्ता इधर का मिलेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली जैसे जो रिमोट एरियाज होते हैं वो मेन स्ट्रीम जो है रोड की उनसे जुड़ने में जो होते हैं, तो उनकी जो रोड्स होती है रिमोट एरियाज वाली वो थोड़ी बहुत खराबी रहती है। रोड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फाइनली आ गए हैं यहाँ पे प्राचीन पांडव गुफा, जो कि लखमंडल से थोड़ा सा पहले है, और गाड़ी हमने साइड में यहाँ पार्क करी है और अभी चलना है हमें गुफा के अंदर। जय हो। तो यही वो गुफा है जहाँ से पांडव जी लोग देवभूमि में प्रकट हुए थे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अद्भुत गुफा है ये। तो यहीं से ही पांडव जी होते हुए आए, क्या बात है, और अद्भुत। जय हो। ये देखिए पूरी सीढ़ी बनी हुई है बकायदा, और एक तरफ ये है। जय हो। पूरे छोटे छोटे शिवलिंग जैसे आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर, अगर आप मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये छोटे छोटे शिवलिंग है। ये देखिए बहुत अद्भुत स्थान है, यहीं पूजन होता है। तो मेरे पीछे ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं ये शिवलिंग के ही रूप माने जाते हैं और निकलते हैं हर जगह, कोई भी अगर घर बनाता है कुछ बनाता है मकान तो निकलते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल गुफा, और ये देखिए इस गुफा का कुछ भी नहीं पता है कि ये कहाँ निकली हुई है, बस पांडवास यहाँ से आए थे देवभूमि में, उन्होंने चरण रखे थे अपने। ये देखिए भैया वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ये है सुरंग, क्या बात है। सो महाराज जी से धर्म चर्चा करके अब हम ये पांडव जो गुफा है अब यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर लखमंडल। 1,00,000 शिवलिंग की स्थापना करी थी पांडवों ने, तो वहाँ पे पारदर्शिता वाला शिवलिंग भी है जिसके हम लोग करेंगे दर्शन। तो अब निकलते हैं वहीं के लिए और महाराज जी से नमन करते हुए प्रणाम करते हुए अब चलते हैं। ओम नमो नारायण महाराज। तो ये मेरे सामने है लाखा मंडल, अब चल रहे हैं यहीं पर ही जो मंदिर है वहीं पर ही चलते हैं, दर्शन करते हैं वहाँ पर। ये द्वार है मंदिर का और यहाँ से स्टार्ट कर दी है यात्रा, और थोड़ा सा ही टॉप पे है मंदिर जो आप राइट राइट अभी मैं आपको ध्वज दिखाता हूँ वो देखिए। सबसे बड़ी चीज़ कि एक शिवलिंग जो कि है पारदर्शिता, उसमें अगर आप जल अर्पण करें तो उसमें अपनी प्रति स्वरूप दिखता है, तो देखेंगे अंदर चल। लखमंडल और ASI प्रोटेक्टेड ये जगह है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे जितने भी शिवलिंग है सब जमीन से निकले हुए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई यहाँ स्थापित नहीं करा गया है शिवलिंग, ये सब निकले हुए हैं खुदाई से। और अभी भी मैं दिखाता हूँ आपको आर्कियोलॉजिकल टीम की तरफ से अभी भी खुदाई थोड़ी बहुत जारी है। ये देखिए मंदिर परिसर के ठीक पीछे यहाँ पे जो एरिया है पूरा, ये शिवलिंग ही शिवलिंग है यहाँ पे, और अभी भी यहाँ पे क्षेत्र में थोड़ा सा ऊपर जाके 3 शिवलिंग और निकले हैं, और अभी
जो ये है ये पारदर्शिता शिवलिंग है, इसमें अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपकी प्रतिरूप जो है वो झलकती है। तो जय शंकर जय। तो ये अभी शिवलिंग हैं जो निकले हैं शिवरात्रि के टाइम पे, यहीं पे रखे हुए हैं इनको, तो बहुत बढ़िया। और ये पुराने शिवलिंग हैं जो पहले से ही निकले हुए हैं यहाँ पे। ऐसा शिवलिंग लाखा मंडल में मैं हूँ जहाँ पे पांडवास ने 100,000 शिवलिंग की यहाँ पे जो स्थापना करी थी, और ठीक मेरे पीछे है पारदर्शिता शिवलिंग। होता है क्या, जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी जो पूरी प्रतिरूप है वो शिवलिंग में झलकता है, तो यही इसकी खासियत बात है। और सूर्य से ही जुड़ा हुआ ये शिवलिंग है, जैसे आप देख सकते हैं जो शाइन कर रहा है बिल्कुल हीरे की तरह। तो बहुत दिव्य जगह है, और एक अलग ही कोने में, उत्तराखंड के एक सबसे लास्ट कोने में स्थित है, बहुत ही भव्य। जय शंकर जय महाराज। दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही भव्य मंदिर, अंदर भी दर्शन करें, पीछे पारदर्शिता वाला जो था शिवलिंग उसके भी दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद अब निकलते हैं हम यमुनोत्री के लिए फटाफट से, खरसाली जो गांव है वहां पे निकलना है हम लोगों को। और शाम के अब बज चुके हैं करेक्ट 4, तो टाइम कम है और निकलना भी है। अब भाई हो गई है लेट, तो ऑलमोस्ट आगे भी लेट ही होनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-7:30 बजे तक हम लोग खरसाली पहुँचेंगे, क्योंकि इतना तो टाइम लगता है, 2.5 घंटे बाइक से लगते हैं, बट कुछ नहीं कह सकते, तो 3 घंटे हम लोग लेके चल रहे हैं 7-7:30 तक अप्रॉक्स। तो चलते हैं देखते हैं कैसा होता है सफ़र आगे। तो बेसिकली मुझे तो लग ही रहा है कि आज लेट हो ही जाएगी, शाम हो जाएगी, तो चलिए देखते हैं जहाँ तक शूट होता है आज रात में। बाकी बहुत ब्यूटीफुल सा गाँव है यार ये। अरे मोड़ पे नहीं रोकनी चाहिए ना गाड़ी यार, क्या यार भाई, अरे इसको समझ होनी भयंकर वाली जैसी। अब ऐसी डेंजर रोड आपने भी नहीं देखी होगी, फिर भी लैंडस्लाइड हो सकती है यहाँ पे। उच्च खंड हिमालय, और पूरी सामने हिमालय श्रृंखलाएं, बगल में बर्फ। यमो पिभगनी सुतां कथम हंति दुष्टानपि